हेलो एवरीवन, रेजोनेंस एडवेंचर्स लिमिटेड की ओर से मैं विकास कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और उसका जो टेस्ट होने वाला है 17 तारीख को, उसके बारे में। और रेजोनेंस के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन ने उसके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं बात करूंगा IISER कॉलेजेस के बारे में। हालांकि वो सभी विद्यार्थी जो 17 तारीख को अपियर होने वाले हैं, उन सभी ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है लेकिन अगले सालों में भरना चाहते हैं, और जो जनरली IISER के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए पहले मैं आपको इस कॉलेजेस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। IISER, जैसा मैंने बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भारत में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं और खोले गए थे ये। तो IISER कॉलेजेस देश के 7 शहरों में स्थित हैं, जिसमें कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बरहामपुर, ये 7 शहर हैं जहाँ पर IISER के कॉलेजेस स्थित हैं। और इन कॉलेजेस में मेनली BSMS 5-year प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिसमें लगभग 1700 प्लस सीट्स हैं। साथ ही साथ IISER भोपाल में 2 BS के जो कोर्सेज हैं, 4-year प्रोग्राम, वो भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें 90 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर 1800 प्लस सीट्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है। और इस IISER के इन कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए बेसिकली 3 चैनल्स होते हैं। एक चैनल होता है JEE एडवांस के थ्रू आप जा सकते हैं यहाँ पर। एक चैनल इस साल के लिए एप्लीकेबल है, वो है KVPY, जिसमें 2021 में जो ऐसे स्ट्रीम में बच्चे सेलेक्ट हुए थे उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चे इन कोर्सेज के लिए। और तीसरा जो चैनल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले, वो है IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और जो 17 तारीख को होने वाला है। और इस टेस्ट के माध्यम से भी लगभग 75% सीट जो हैं इनमें से भरी जाती हैं, और लगभग 25% सीट जो हैं बाकी दोनों जो एग्ज़ाम बताए मैंने आपको, JEE एडवांस और KVPY के माध्यम से भरी जाती हैं। JEE एडवांस में भी नॉर्मली जो विद्यार्थी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से या उनकी कैटेगरी रैंक लिस्ट के हिसाब से 15,000 रैंक के अंदर आते हैं, उनको इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल घोषित किया जाता है, और फाइनली रैंक लिस्ट के हिसाब से उनको वहाँ पर सीट्स मिलती है। तो जैसा मैंने बताया, आज बात कर रहे हैं IISER एप्टीट्यूड टेस्ट की। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट को मैं ऑनलाइन टेस्ट होता है, और ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, चारों सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल 60 क्वेश्चन और 240 मार्क्स का ये पेपर होता है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, सही जवाब देने पर +4 और गलत जवाब देने पर -1 होता है, और ये सिंगल चॉइस इसके आंसर्स होते हैं। तो ये पेपर काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, और यहाँ पर जो हम बुकलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेजोनेंस के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन ने इसको लॉन्च किया है, ये है प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स की। तो प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स, यहाँ पर आपको ऑफिशियल पेपर्स मिलेंगे, ऑफिशियल आंसर कीज आपको मिलेंगी इसकी, और टेक्स्ट सॉल्यूशंस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस, और साथ ही साथ में इसमें आपको OMR प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर फिल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक सेल्फ असेसमेंट शीट भी मिलती है, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट शीट के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को लास्ट में जज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने छोड़े, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो ये प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे 2017, 18, 19, 21 और 22, ये 5 साल के मिलेंगे। 2020 में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था कोरोना के चलते। अब बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, जो कि NEST है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि होने वाला है 24 जून को, और ये भी एक ऑनलाइन पेपर है, और इसमें 3.5 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, और इसमें भी आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, और जिसमें पहले सेक्शन में लगभग 48 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सही जवाब देने पर 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत जवाब देने पर 1 मार्क कट जाता है। और दूसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं, जिसमें 1 से ज़्यादा आंसर्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, और उसमें आपको जैसे मैंने मार्किंग क्राइटेरिया बताया, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। इस एग्ज़ाम से किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है, इस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है, NISER, वहाँ की लगभग 200 सीट्स पर इसके माध्यम से एडमिशन मिलता है। और ये जो कोर्स ऑफर करते हैं वो होता है 5-year इंटीग्रेटेड MSc, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, वहाँ के कोर्सेज में भी इसके माध्यम से आपको एडमिशन मिलता है, और उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, UMDAE जिसे हम बोलते हैं, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, CEBS,
ये पूरा नाम है इसका। और यहाँ पर भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर किया जाता है जिसमें लगभग 57 के करीब सीट्स होती हैं। तो इसका भी जो लास्ट ईयर का पेपर है जिसमें लगभग 136 क्वेश्चन है वो इस बुकलेट में अवेलेबल है। तो दोनों मिलाकर आपको 300 प्लस 136 यानी 436 के करीब क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और दोनों पेपर के अलग अलग पैटर्न के हिसाब से ये मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आंसर की सॉल्यूशंस और सेल्फ असेसमेंट शीट भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये बुकलेट उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है जो IISER या NEST का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं 17 या 24 तारीख को। और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन की वेबसाइट edushopee.com पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोटा में हैं तो कोटा के रेजोनेंस के हेड ऑफिस में आकर आप इसकी फिजिकल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ रेजोनेंस एंड थैंक यू।